जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मौजूदा अदालत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर उसकी जो बीमारी है हेपेटाइटिस सी को उसको कंसिडर करते हुए और जो वो ओनली कस्टोडियन है अपने चार बच्चों की, तमाम के तमाम माइनर्स हैं और वही उनकी जो है वो रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करने वाली खातून है वाहिद, उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही लीनियंट व्यू लिया और शरबत गुले ने गिल्टी प्लीड किया और ऑनरेबल कोर्ट ने लीनियंट व्यू लेते हुए 15 दिन की सज़ा उसको सुनाई है और साथ 1,10,000 रुपये जुर्माना किया है और इन केस कि जुर्माना ना पे होता, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पे कर दिया ऑन द स्पॉट कोर्ट के अंदर, तो फिर इन डिफ़ॉल्ट जो पनिशमेंट होती है वो कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर लिखी है। बट ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुआ और आई एम थैंकफुल टू ऑल द डिस्टिंग्विश्ड लॉयर्स, पीपल ऑफ सिविल सोसाइटी, आप मीडिया पर्सनैलिटीज़ का और वो तमाम लोग जिन्होंने किसी ना किसी हवाले से हमारे साथ कॉन्टेक्ट में रहे, इस जो है वो बहुत अहम मामले के ऊपर हमें सपोर्ट किया हर हवाले से, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी डेफिनेटली, जब जो है वो अभी 11 दिन उनको ऑलमोस्ट अंदर हो चुके हैं, 11वां दिन है, 4 दिन और हैं और उसके बाद उनकी डिपोर्टेशन हो जाएगी।